अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु मैडम साहबा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मैडम साहबा। हम आपके बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, आपने लगारी इत्तेहाद सोशल वेलफेयर एसोसिएशन पंजाब पाकिस्तान की मीडिया टीम को अपने कीमती वक्त में से चंद मिनट अता किए, हम आपके बहुत मशहूर हैं। मैडम साहबा, आपने सुना भी है, देखा भी है, आप डी जी खान में लादी गैंग की तरफ से हमारी हद्दानी बिरादरी के ऊपर एक अटैक हुआ है, दौरान डकैती एक बंदा हमारा शहीद हो गया है, तीन ज़ख्मी हैं, और इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं ये कहना चाहूँगी हर चीज़ का हल होता है, सलूशन होता है। इसका सलूशन ये है, जैसे हमारे इमरान खान लीडर कहते हैं कि जैसे उन्होंने ये काम किया था, सबसे पहले अफगानिस्तान से उन्होंने मुज़ाकरात कर लिए थे, वैसे यहाँ का लादी गैंग जो है इनके साथ मुज़ाकरात हमारे इंतज़ामिया जाए वहीं करें, क्योंकि हम किसी के जान नहीं वो करना चाहते, खोना चाहते, क्योंकि उनकी भी फैमिली होती है, बच्चे होते हैं। इस हवाले से मैं यही कहना चाहूँगी, मुज़ाकरात करना चाहिए लाजमी, क्योंकि इनके से उनको उनकी बातें पूछनी चाहिए कि अगर वो चाहते क्या हैं, उनसे की जो बातें जायज बातें उनको वो अमल दरामद करना चाहिए और मुज़ाकरात करना चाहिए लाजमी। मैडम साहबा, ये कोई पहला इस तरह का इंसिडेंट नहीं है, बल्कि मुसलसल पिछले एक साल से इस तरह के इंसानियात हमारे डेरा गाजी खान में मुख्तलफ मकामात पर नज़र आ रहे हैं लादी गैंग की तरफ से। ये डकैतियों की वारदात में इंसानी जान भी ले लेते हैं, इनको मज़ीद क्या करना चाहिए ताकि हमारे डेरा गाजी खान में बेहतरी आए, इनकी बेहतरी के लिए हमारी इंतज़ामिया को क्या करना चाहिए? इंतज़ामिया को जाके उन सबसे मीटिंग करनी चाहिए लाजमी, क्योंकि मुज़ाकरात करने चाहिए, मुज़ाकरात करने से ये सारे जो घर आज आबाद थे वो उजड़ गए ना, ये ना होते, आज ये महफूज होते अपने घरों में, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। मुज़ाकरात सबसे अहम हिस्सा होता है हर चीज़ का, हर चीज़ के लिए सलूशन होते हैं मुज़ाकरात। इन हवाले से आप जानते हैं वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान गुलज़ार खान का ताल्लुक भी डेरा गाजी खान से है, वो भी बलोच सरदार हैं, बलोच कौम के लिए उनको क्या करना चाहिए? सीएम साहब से मैं खुद रिक्वेस्ट करती हूँ, जो आजकल ये वारदातें हो रही हैं, या अलदा कौन सी गैंग बताई थी, लादी गैंग है या कोई और गैंग है, उनसे आप आर्मी चीफ साहब से बोलें वो जाके मिले, या आर्मी साहब या आरपीओ साहब कोई तो जाए मुज़ाकरात करे कि वो चाहते क्या है, असल वजह क्या है। अगर वो सब ये बातें कर लें, सुन लेंगे, उनकी समझ लेंगे कि किसी के घर के बच्चे यतीम नहीं होंगे, वो अपनी फैमिली के साथ रहेंगे, ऐसे हर मोड़ पे जंग बनी हुई है, मुज़ाकरात होंगे तो ये जंग का माहौल भी नहीं बनेगा, अफरा तफरी भी ख़त्म हो जाएगी। जी मैडम साहबा, आप हमारी हफ्तानी बिरादरी को कोई पैगाम देना चाहेंगी? जी मैं ये पैगाम दूंगी, इंशाल्लाह मैं आपके शाना पेशाना खड़ी हूँ लगारी फैमिली के साथ और बलोचों के साथ, हर किसी के साथ शाना पेशाना कर रही हूँ, जिसके ऊपर जो भी मुश्किलात आएंगी वो अक्सा गुलाब को याद करें, अक्सा गुलाब हाजिर है उसी टाइम उनके पास। बहुत शुक्रिया मैडम साहब, लगारी इत्तेहाद की टीम आपका बहुत बहुत शुक्र अदा करती है, थैंक यू।